है तो व्हाट्सअप गर्ज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे नए फ्लटर प्रोजेक्ट जिसका नाम है टिक टिकटॉक क्लोन जी हाँ दोस्तों सही आपने आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया प्रोजेक्ट टिकटॉक क्लोन इन फ्लटर का जिस जो कि सपोर्टेड रहेगा जो कि बनाया जाएगा गेटेक्स के द्वारा तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट में आप क्या क्या नई चीज़ें सीखेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज़ होने वाला है और क्या क्या कितना मतलब कहाँ तक हम पूरा टिकटॉक ऐप बनाएंगे ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर टिकटॉक क्लोन हम बनाने जा रहे हैं अब जिन महाशयों को नहीं पता कि टिकटॉक क्या होता है तो काइंडली आप एक बार नेट पर सर्च करें ये जो है वो आ, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता बट जी हाँ ये एक शॉर्ट वीडियो होस्टिंग सर्विस है जहाँ पर आप वैरायटी ऑफ शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं आ, और पंद्रह मिनट सेकेंड से, से लेकर तो दस मिनट तक के यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती हैं कई बार आपने वीडियोस देखी होगी और अभी तो फिलहाल के लिए कंडीशन में टिकटॉक इंडिया में बैन है बट बाहर चल रहा है यार बट टिकटॉक जैसे और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं जहाँ जो आपने देखे होंगे रील्स वील्स चल रही हैं मस्त तो Uh, उसी तरह का ये ऐप है और इस वीडियो में मतलब अगर आपको टिकटॉक के बारे में और जानना हो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं आपको काफ़ी सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बट फिर भी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन स्लाइड काफ़ी है इसके लिए देन uh, हम मेन चीज़ें अब आते हैं यार जो कि हमें जानना है जो कि आपको भी जानना है कि भाई क्या क्या सीखेंगे हम इस प्रोजेक्ट से देखो यार सबसे सब पहले तो आपने देखा होगा स्क्रोलिंग डायनमिक जो स्क्रोलिंग होती है टिकटॉक में आपने देखा होगा ना स्क्रॉल करते जाओ स्क्रॉल करते जाओ वो जो है वो काफ़ी एडिक्टिव होती है अगर आपने देखा होगा तो अगर आपको ऐसा स्क्रॉल करते करते जो चीज़ें मिलती है ना उसमें काफ़ी मज़ा आता है लोगों को स्क्रॉल करो को स्क्रॉल करो और टिकटॉक में जो स्क्रॉलिंग है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आती थी और मुझे जो लगता था ना कि वो उसी स्क्रॉलिंग की वजह से ही वो जहाँ तक काफ़ी फेमस हुआ है तो जो यूनिक स्क्रॉलिंग का फीचर था वो हम बनाना सीखेंगे फ्लटर में किस तरीके से बना सकते हैं रियल टाइम लाइक्स किस तरीके से अपडेट होंगे किस तरीके से कमेंट्स अपडेट होंगे ये भी हम देखेंगे अब रियल टाइम की जब बात आई है तो ऑब्वियसली बात है फायरबेस का यूज़ होगा क्योंकि डेटा का यूज़ करना पड़ेगा और डेटा हमारा ऑनलाइन होस्ट रहेगा क्योंकि टिकटॉक टॉक जब वो ऑनलाइन चलता है तो हमारा ऐप भी ऑनलाइन चलेगा तो रियल टाइम लाइक्स को कैसे अपडेट करना है विथ uh, वीडियो और विथ दिस टाइप ऑफ यूज़र बेस वो भी हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट में बैकएंड में वीडियो इंक्रिप्शन कैसे होगा वीडियो इंक्रिप्शन क्यों करने की ज़रूरत है यार देखो यार वीडियोस हो सकती हैं पंद्रह सेकंड का वीडियो आपका दो सौ तीन सौ एम का भी हो सकता है अगर फोर के में रिकॉर्ड किया गया हो तो और हम नहीं चाहते कि एक वीडियो हमारा दो सौ तीन सौ एम खाए इसलिए हम यहाँ पर वीडियो को इंक्रिप्ट करेंगे इनक्रप्ट मतलब कि मेरा मतलब है कि हम ऐसा नहीं कि उसको किसी और क, उसमें कन्वर्ट करके रखेंगे मेरा मतलब है कि उसको कंप्रेस करेंगे मुझे यहाँ पर कंप्रेस लिखना चाहिए था ना कि इंक्रिप्ट इंक्रिप्ट करें हम उसको कंप्रेस करेंगे कंप्रेस करके हम उसका साइज़ रिड्यूस करके उसको स्टोर करेंगे ताकि हमारा जो है वहाँ पर स्टोरेज कम यूज़ हो ये भी हम देखेंगे कि बैकहेंड में किस तरीके से आप इस चीज़ को करवा सकते हैं तो वीडियो इंक्रिप्शन नहीं आप इसको वीडियो कंप्रेशन बोलिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हम किस तरीके से मीडिया फाइल्स को कंप्रेस करते हैं बैकहैंड में फ्लटर में वो भी हम देखेंगे वो भी हम सीखेंगे इस प्रोजेक्ट में फायरबेस के मोर एडवांस और जो मोर जो, जो और दूसरी सर्विसेज हैं आ, उसे भी हम जानेंगे जैसे कि जो एक रिसेंट सर्विस है वो हमारी ई मेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करना है वो भी हम देखेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम फायरबेस में जानेंगे और रिवाइज़ भी करेंगे जो जो चीज़ें हम सीख चुके हैं तो वो भी हम देखेंगे टिकटॉक का यू आई कैसे बनाना है आपने देखा होगा टिकटॉक और यहाँ पर स्पेलिंग का मैंने परंपरा को निभाते हुए गलत लिखा है तो टिकटॉक का यू आई कैसे बनाते हैं बॉटम में ऐप बार कैसे बनाते हैं देन प्रोफाइल वोफाइल वो सब हम चीज़ें हम सारी देखेंगे लाइक like का बटन वीडियो के ऊपर ओवरले कैसे करेंगे एनिमेशन कैसे देखेंगे ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट में देखेंगे और एंड मेनली जो हमारा इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस रहेगा वो रहेगा गेटेक्स के ऊपर कि गेटेक्स को किस तरीके से किसी ऐप में यूज़ किया जाता है और मैंने आ, मैं सोच रहा था कि कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट लूँ जैसे कि वेदर ऐप न्यूज़ ऐप इस टाइप से बट वो हम कर चुके हैं तो मैंने सोचा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें आप गेटेक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करें प्रोडक्शन लेवल का ऐप लेते हैं तो मैंने टिकटॉक को चुना अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात होगी कि हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे जैसे कि आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं बट डायरेक्ट गैलरी से कर सकते हैं आप उसमें वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते हमारे ऐप में क्योंकि अगर आप वीडियो क्रिएट करने जाएंगे तो वीडियो टिकटॉक यूज़र्स को भी वो फीचर बनाने में काफ़ी साल लग गए तो अगर मैं उसे इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगर मैं करना चा, चाह चाहूँ भी तो भी मैं नहीं कर सकता तो भी मैं आपको नहीं सिखा सकता और ना ही वो मैं बता सकता हूँ आपको कि उस वो फिल्टर किस तरीके से आपको इस पर इंटीग्रेट करना है क्योंकि वो फिल्टर अगर आप ले आएंगे तो वो उसमें ऑर्गमेंटेड रियलिटी लग जाएगी दैन उसके बाद में अगर आप वहाँ पर फिल्टर्स को ले आएंगे तो आपको वहाँ पर काफी सारे काफ़ी झमेला हो जाएगा तो हम वो फ़िल्टर्स वाला गाने किस तरीके से इंटीग्रेट करना है तो वो गाने वाने आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे आप सिंपली अपने वीडियो जो भी आपकी गैलरी में पड़ी है उसको अपलोड कर सकते हो दैन उसको लाइक पाइए जैसा यूट्यूब में होता है आपका वीडियो को आप अपलोड कर दो वैसे ही आप हमारे इस ऐप में भी वीडियो को अपलोड कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाओ तो आप उसको इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो बट मेन जो सिखाने का मकसद है वो ये चीज़ें सिखाने का मकसद है मेरा ठीक है इस वाले प्रोजेक्ट में अब आ, ये प्रोजेक्ट का रोड मैप कैसे रहेगा क्या क्या आप सीखेंगे तो ये आप पढ़ लो इसको इधर से शुरू है इधर से ऐसा देन ऐसा देन ऐसा तो इस तरीके से जाएंगे इस तरीके से वीडियोस आती रहेंगी आपके पास में सबसे सब पहले सेटअप प्रोजेक्ट होगा देन दूसरे वीडियो में हम लॉग इन स्क्रीन क्रिएट करेंगे देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन और इस तरीके से एट द एंड कंक्लूजन होगा तो ये प्रोजेक्ट का रोड मैप है आप कई बार मुझसे बोलते भी हो कि मतलब मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप जो है वो हमें पहले प्रोजेक्ट का रोड मैप बता दीजिए ताकि हमें भी समझ पड़े कि अब नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम क्या क्या सीखेंगे और किस तरीके हर वीडियो एक दूसरी वीडियो से लिंक है तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट का रोड मैप आप इसे चाहें तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं नोट कर सकते हैं वरना आ, मैं आपको इससे ही ऑर्डर में वीडियोज दूंगा हो सकता हो एक दो ऑर्डर आगे पीछे हो दो तीन वीडियो जाए वो एक्स्ट्रा बने या फिर कम बने तो वो हम देखेंगे इन बिटवीन बट जहाँ तक 90 80 परसेंट तक तो यही रोड मैप फॉलो होगा ओके okay, तो उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आप इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक्साइटेड होगी कई लोग मुझसे कह रहे थे कि Uh, आप यहाँ पर ई कॉमर्स ऐप बनाएं बट हम भी ई कॉमर्स ऐप बनाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में अमेजॉन का क्लोन बनाएंगे हम ठीक है तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्पॉयलर आपको दे दिया है जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था बट हाँ हम यहाँ पर अमेज़ॉन का एक क्लोन बनाएंगे तो वो भी हम क्रिएट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी टिकटॉक का बनाएँ नेक्स्ट वाले आने वाले विज में और भी हम काफ़ी सारे क्लोन ऐप्स बनाएंगे तो यार मैं आपको मिलता हूँ कोर्स में उम्मीद आपको एक ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा और प्रोजेक्ट अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि हाँ जी हमें प्रोजेक्ट पसंद आया दोस्तों के साथ पे शेयर कीजिए जी हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहूँगा आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए फटाफट से दोस्तों को इसके साथ में प्रोजेक्ट के स... मतलब आप दोस्त लोग साथ में इस प्रोजेक्ट को करें मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा ऐप बना लेंगे ज़्यादा अच्छा यू बना लेंगे अगर आप दोस्तों के साथ में मिलकर अपने प्रोजेक्ट को प्रोसीड करते हैं तो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए फटाफट से दोस्तों को ऐड कीजिए देन उन्हें बोलिए कि यह नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है अब हम इस प्रोजेक्ट को करने जाएंगे और वो आपके दोस्त लोग भी आपके साथ में जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और वहाँ पर आप वीडियोस को और सारे क्वेरीज को आप वहाँ पर डिस्कस कीजिए और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में और भी कुछ चाहिए आप चाहते हैं कि भाई और भी कुछ यहाँ पर और कुछ जुड़े तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप ये ये भी इसमें जुड़िए तो मैं वो भी जुड़ने की कोशिश करूँगा ओके तो वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स का लाइक्स का कमेंट्स का और वही एक जरिया रहता है हम दोनों के बीच कम्युनिकेट करने का जी जो आप वीडियो देख रहे हैं और जो मैं बना रहा हूँ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो वो रिस्पॉन्स हम किस तरीके से कम्युनिनेट कर सकते हैं लाइक कमेंट्स के द्वारा जो है वो हम यहाँ पर कॉम्युनिकेट कर सकते हैं तो काइंडली मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा मैं वेट करूँगा आपके लाइक्स और कमेंट्स का दर फिलहाल इस वीडियो में इतने नेक्स्ट वाले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को तो आप अपने फ्लटर को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को थोड़ा साफ सुफ कर लीजिए झड़ू वड़ू उसको मान लीजिए क्योंकि अब होने वाला है उसका धड़ाधड़ फायरिंग यूज़ ओके तो फिलहाल किस वीडियो में इतने यार मिलूंगा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए बाय